दोस्तों, तीन जो नए कृषि कानून आए हैं जिसके खिलाफ हमारे पूरे देश में अभी एक नाराजगी है। हमारे देश के अन्नदाता जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत नाराज हैं। उनकी पहले ये डिमांड थी कि भाई इसमें MSP को डिसाइड किया जाए, उसको कंफर्म किया जाए। बाद में उनकी डिमांड चेंज हुई कि भाई इन तीनों कानून को वापस लिया जाए, जिस पे अभी पूरे देश में बवाल मचा पड़ा है। जिसके लिए अभी हमने न्यूज़ में भी देखा, हमारे सामने आ रहा है कि भाई इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया, 8 तारीख को भारत बंद बुलाया, जिसको कई पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने सपोर्ट भी किया। इन पार्टियों ने कहा कि भाई हम पूरा सपोर्ट करते हैं, खासकर कांग्रेस ने कहा कि हम पूरे देश में इस बंद को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाएंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको सपोर्ट किया, यूपी से अखिलेश यादव की पार्टी ने इसको सपोर्ट किया। तो देश की कई विपक्षी पार्टियों ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इसी भारत बंद के बहाने हम अपनी एक पावर दिखाएंगे और जो अभी केंद्र सरकार है उसको हम थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे उस पर और ये कृषि कानून को वापस कराएंगे, जो तीन नए कृषि कानून हैं। तो दोस्तों, मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इजीए चैनल पे, और जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज़ में देखा कि भाई हमारे किसान भाई बहुत नाराज हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। खासकर पंजाब के किसान हो गए, हरियाणा के किसान हो गए और राजस्थान के किसान हो गए, वो दिल्ली में आना चाहते थे जंतर मंतर, और एक सेंटर पॉइंट पे दिल्ली के वहाँ पे धरना देना चाहते थे और केंद्र सरकार पे प्रेशर बनाना चाहते थे ये तीन नए कानूनों को मॉडिफाई किया जाए और इसमें जो MSP का प्रावधान है उसको कंफर्म किया जाए कि भाई इतने से कम रेट पे हमारी फसल नहीं बिकेगी। लेकिन अभी कुछ दिनों में हमने देखा कि किसानों की भी डिमांड चेंज हो गई, उनके 17 पॉइंट्स आए हमारे सामने। कई किसान नेताओं ने कहा कि जब तक ये 17 पॉइंट्स को नहीं माना जाएगा हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। साथ के साथ जब सरकार से कई तरह की वार्ता हुई, कई राउंड की बातचीत हुई, उसके बाद वो विफल भी हुई वो वार्ताएं, और अभी भी जो बात है सरकार के साथ इन किसान नेताओं की चल रही है। लेकिन इसी बीच इन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम 8 तारीख को देशव्यापी बंद का आह्वान करते हैं, यानी 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान करते हैं। इसी को देखते हुए कई जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं, वो कूद पड़ी। उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई इस चीज़ में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, या साउथ की एक दो पार्टियां हो, उन्होंने खुलेआम सपोर्ट किया। कांग्रेस ने बोला हम इसको देशव्यापी बंद को सक्सेसफुल बनाएंगे, और हमने देखा भी 8 तारीख को कि भाई कैसे जगह जगह, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या और भी पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता हों, और कांग्रेस के नेताओं ने कई जगह रोड पर प्रदर्शन भी किए। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि किसान के मुद्दे अब पीछे जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अब इस मुद्दे में घुस चुकी हैं, और ये जो एक धरना था किसानों का, जो अन्नदाता अपने आप को सेफ करना चाहते थे, अब ये मुद्दा थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट होता जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें अपना कुछ ऑब्जेक्ट देख रही हैं, हालांकि उनका भी ये काम है, राजनीति करना उन्हीं का काम है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर वो इतना किसानों के बारे में सोच रही होती तो ये बहुत पुराने बिल हैं, ये बहुत टाइम से प्रपोज हैं, जिसको आके आज की हमारी केंद्र सरकार ने पास किया है। और केंद्र सरकार से भी हमें यही उम्मीद है कि भाई अगर हमारे जो अन्नदाता हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन है, आप उनको सुनिए, अभी आपकी बातचीत चल रही है, आप रिजिड मत रहिए, उनकी बातों को सुनिए, उनको कोई दिक्कत है आप लॉ को मॉडिफाई करिए, अगर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप लॉ को वापस लीजिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी कि अगर आप किसानों को सम्मान देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस 8 दिसंबर के बाद जो भारत बंद है, इसके बाद अगले दिन ही भारत सरकार की कुछ सिलेक्टेड कमेटी के साथ इन किसानों की मीटिंग होनी है, जहां पे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री भी होंगे उस कमेटी में, और भी बड़े मिनिस्टर्स होंगे, उनके साथ इन किसान नेताओं की बातें होंगी, डिस्कशन होगा, और एक सॉल्यूशन की तरफ ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है सरकार इन लोगों की बात सुनेगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।